साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, सभी बहनों को अपने भाई का बेसब्री से इंतजार रहता है। हाँ, पता है क्यों इंतजार रहता है? ताकि लड़कियां राखी बांधने के बहाने अपने भाइयों से पैसे ठग सके, इंतजार रहता है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। पता है आज रक्षाबंधन है? हाँ तो? दीदी के यहाँ नहीं जाना है? नहीं। क्यों? क्यों क्या? नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। कम से कम आज के दिन फोन तो कर लो, उनको अच्छा लगेगा। वैसे भी जीजा जी ने जब से एक्सीडेंट में अपना पैर गवाया है, दीदी का इस दुनिया में हमारे सिवा है ही कौन। अरे यार, कहाँ तुम सुबह सुबह ये इमोशनल टॉपिक लेकर बैठ गई हो? मुझे अच्छे से पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतना रूडली क्यों बोल रहे हो? बड़ी बहन है वो तुम्हारी, हर सुख दुख में साथ रही है। आरती, तुम्हें हमारे स्थिति के बारे में पता है। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से हमारा फैक्ट्री बंद है, सारा बिजनेस चौपट हो चुका है, लोन चुकता नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा जॉब नहीं होता तो पता नहीं घर कैसे चलता। तुम्हारा सब बात सही है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो क्या फैमिली को छोड़ दे, यही सोल्यूशन है? देखो आरती, बात कुछ और है। फिलहाल ना तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, ना ही दीदी को यहाँ बुला सकता हूँ। बट क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही दीदी ने कुछ पैसों का डिमांड किया था, देखता हूँ बोलकर निकल गया था। अभी अभी फिर से वहाँ गया तो क्या पता दीदी का फिर से रोना शुरू हो जाए। जरूरत होगा उनको, तभी तो मांगे। तुमको तो पता है जीजा जी का कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी बेचारी दीदी कितना मेहनत करके अपना घर चलाती है। अगर इस कंडीशन में हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा उनका साथ? अगले साल देखेंगे, बस एक बार सब चीज ठीक ठाक हो जाए। और आज का क्या? साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, सभी बहनों को अपने भाई का बेसब्री से इंतजार रहता है। हाँ, पता है क्यों इंतजार रहता है? ताकि लड़कियां राखी बांधने के बहाने अपने भाइयों से पैसे ठग सके, इंतजार रहता है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। देखो, न्यूज़पेपर वाला होगा। अरे दीदी आप आइए 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 आइए, जीती रहो। अरे यार, चलिए आइए। जीजू कैसे हैं? ठीक है, खुश रहो। क्या रिकॉल नहीं उठाते हो मेरा? नहीं दीदी, वो वो क्या, फटाफट नहा धो के तैयार हो जाओ, पहले राखी बांधू फिर बताती हूँ तुम्हें। और तू इतनी पतली हो गई, खाती पीती नहीं हो क्या? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलो ना, मैं भी थाली सजा लेती। चलिए। देखो तो कितने अच्छे लग रहे साथ में। आरती, मेरा पर्स देना। अरे पर्स दो ना। ये है 2 लाख रुपए, इसे तू अपने बिजनेस में लगा और खूब तरक्की करो। पकड़ो इसे, पकड़ो। मैं बहन हूँ तेरी, तुझे क्या लगा मैं तुझे पैसे के लिए कॉल करती थी? अरे पागल, मैं तो तुम्हारा हाल जानने के लिए फोन करती थी कि कहीं तो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, तुम्हारे जीजू को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। अरे दीदी, आपका कंगन? अरे कुछ नहीं, घर पे छूट गया। दीदी, ये पैसे कंगन बेच के लाई हो ना? अरे नहीं, झूठ मत बोलो दीदी। अरे नहीं नहीं,
चल अब ज्यादा टेंशन मत ले, अगला साल रक्षाबंधन में मुझे दो दो कंगन गिफ्ट कर देना। अब हंस भी दो। हैप्पी रक्षाबंधन।